हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीजस मेकओवर। गाइज, आज हम सिखाने वाले हैं क्लीन अप की थ्योरी डाल रहे हैं। क्लीन अप कैसे करते हैं, क्लीन अप क्या होता है, तो गाइज देखना क्लीन अप क्या है। चेहरे पर निखार लाने और चेहरे की सफाई करने का एक साधन है भी चेहरा। जिस तरह जो डेली रूटीन में अप डाउन करते हैं, टैनिंग वगैरह उनके फेस पे ज़्यादा हो जाती है, तो टैनिंग को रिमूव करने के लिए क्लीन अप करवाना होता है। तो हम क्लीन अप 15 दिन में करवा सकते हैं गाइज। तो क्लीन अप का क्या काम होता है, वो चेहरे से अपनी गंदगी हटाने का काम करता है, फिर टैनिंग हमारे चेहरे से रिमूव कर देता है। तो इसमें जो आप सामग्री यूज करते हैं, जो हमारे को क्लीन अप से पहले जो सामान चाहिए है, ज़रूरी सामान, वो है क्लिंजिंग मिल्क, स्क्रब, ब्लैक हिट्स रिमूवर होता है, जो ब्लैक हिट्स स्टिक भी बोल देते हैं, स्टिक होती है ब्लैक हिट्स, फेस पैक, टोनर, मॉइस्चराइजर, टॉवल और फेशियल बैंड और बाउल। गाइस, ये सामग्री हमारे को चाहिए, जो हमें ज़रूरी सामान होता है वो सारा अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास। तो आगे देखना गाइस, क्लीन अप से चेहरे की गंदगी निकलती है। क्लीन अप से जो हमारे चेहरे में गंदगी होती है, डस्ट वगैरह, धूल मिट्टी होती है, तो वो हमारे चेहरे से रिमूव हो जाती है सारी। इसको कैसे करते हैं, तो गाइस आगे देखना इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले चेहरे को पानी में टिशू डिप करके टिशू से चेहरे को अच्छी तरह साफ कर लें। जो टिशू होता है या फिर स्पंज वगैरह होती है, उससे चेहरे को अच्छे से साफ करना होता है। उसके बाद साफ करने के बाद उसे सुखा लें। क्लिंजिंग मिल्क से 2 मिनट मसाज करें। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्लिंजिंग मिल्क होता है, उससे 2 मिनट हमने मसाज करनी है, 2 से 5 मिनट भी हो सकती है। मसाज करें, 2 से 5 मिनट तक मसाज करें और फिर टिशू से साफ कर दें, और फिर अच्छे से टिशू से सारे जो अपने जो हमने क्लिंजिंग मिल्क का स्टेप किया है उसको अच्छे से रिमूव करना होता है, टिशू से साफ कर दें। क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंग स्क्रब की मसाज करें। कई बार क्लाइंट का बिल्कुल ऐसे सेंसिटिव स्किन होती है किसी क्लाइंट की, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को स्क्रब की मसाज देनी होती है, चाहे फेशियल करें, चाहे क्लीन अप करें, क्लिंजर करें, तो उसके अकॉर्डिंग ही फेस के अकॉर्डिंग स्क्रब हमारे को करना होता है क्लाइंट के फेस पे। तो गाइस ये ज़रूर ध्यान रखना होता है, कई बार इतनी सेंसिटिव स्किन होती है, अगर हार्ड हाथ से करेंगे तो स्किन छिल जाएगी, स्किन फट जाएगी, तो रेडनेस आ जाएगी स्किन पे। तो स्किन के अकॉर्डिंग ही हम स्क्रब को अप्लाई करेंगे, मसाज करेंगे स्क्रब की। तो गाइस थर्ड स्टेप, स्क्रब के बाद स्टीम जरूरी दें, क्योंकि टैनिंग वगैरह स्टीम से रिमूव हो जाती है। स्क्रब के बाद जो आप स्टीम देंगे तो उससे अपने पोर्स खुल जाते हैं, पोर्स के बाद सारा जो डस्ट वगैरह अपने फेस से बाहर निकलाती है स्टीम से। इसके बिना चेहरे पर ग्लो नहीं आता, अगर स्टीम नहीं देंगे तो इतना ग्लो नहीं आ पाएगा भी, स्टीम से और ज़्यादा ग्लो उभर के आएगा हमारे चेहरे पे। चेहरे पर ब्लैक हिट्स हो तो निकाल दो, अगर चेहरे पे किसी के वाइट हिट्स, ब्लैक हिट्स हो जाते हैं नोज़ के पास, चिन के पास, तो उनको हम रिमूव करेंगे ब्लैक हिट्स रिमूवर स्टिक से, उनको रिमूव करना होता है। अब चेहरे पर फेस पैक लगा दो, उसके बाद ये हमारा स्टेप हो जाएगा स्क्रब का, स्टीम का। उसके बाद फिर हम चेहरे को पैक बना के चेहरे पर फेस पैक लगा देंगे, 10 से 15 मिनट तक साफ कर लेंगे, उसको वेट करेंगे भी सूखने तक, 80% सूख जाए, तो उसके बाद हम जो अपने पैक लगाया है उसको अच्छे से टिशू से थोड़ा गिल्ला करके, टैप टैप करके उसको गिल्ला करेंगे, फिर उसको रिमूव करेंगे जो अपने पैक लगाया था उसको, क्योंकि सूखा ऐसे रिमूव नहीं करना है, स्किन फिर हो जाती है। तो पहले उसको टिशू से टैप टैप करके गिल्ला करेंगे, फिर उसको रिमूव कर देंगे। टोनिंग करना है, अब टोनर से टैप टैप करके फेस पर लगा दो, टोनर फेस पर लगा देना होता है, और फिर सूखने तक छोड़ दो। फिर लास्ट में मॉइस्चराइज़र लगा दो, लास्ट में क्लाइंट के मॉइस्चराइज़र लगा दो, कोई भी आपके पास मॉइस्चराइज़र अवेलेबल होता है तो वो मॉइस्चराइज़र हम क्लाइंट को कर सकते हैं। तो गाइस ऐसी वीडियो डालने के लिए आप और भी मेरे को बोलना भी किस तरह से वीडियो बनाऊँ, किस बारे में वीडियो डालूँ, तो ज़रूर बताना गाइस। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करना गाइस, स्वीजस मेकओवर को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।